नमस्कार मित्रों, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। मैं पुष्पेंद्र धाकड़। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, मतलब एप्लीकेशन लिखना हमें संस्कृत में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको इसमें कोई डाउट रहे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और भी मैंने वीडियोस बनाए हुए संस्कृत से रिलेटेड, संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड, निबंध से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आपको लिखना क्या, प्रति श्रीमंत प्राचार्य महोदय, यहाँ तक तो लिखना होता है। फिर आपको स्कूल का नाम लिखना होता है, जैसे ही मैंने लिखा है फ्लाई उच्च ग्लोबल विद्यालय, लेकिन आपको जो पेपर में जो दिया होगा आपको वो ही लिखना है। अगर नहीं दिया है तो आवासा लिख देना, और शाहजहाँबाद भोपाल मध्य प्रदेश, ये मैंने लिखा है, ये मेरे को मैंने अपना ही लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को जो दिया रहेगा आपको वो लिखना है। विषय है, विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्रार्थार्थम आवेदनम, मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र इशू करने के लिए देने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र है, एक आवेदन पत्र, एक एप्लीकेशन है। महोदय, महोदय यहाँ पे श्रीमंत है भी लिख सकते हैं। सभी ने निवेदनम अस्ति, आपसे मतलब विनम्र सभी ने नर्म निवेदन है कि यत् मम पिता अत्रैव शिक्षक अस्ति, मतलब मेरे पिता भी शिक्षक हैं। तस्य स्थानांतरण है, उनका ट्रांसफ़र, उनका स्थानांतरण भोपाल नगरात, भोपाल नगर से छत्तीसगढ़ प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर नगरे, रायपुर नगर में अवगत हुआ है, ठीक है। अहम मम पितरेव सह स्थित्वा तत्रैव अध्ययनम कर्तुम इच्छामि, मैं भी अपने पिता के साथ वहीं रहकर, वहीं जाकर उन्हीं के साथ अध्ययन करने की इच्छा रखता हूँ। अतः अहम प्रार्थये यत्, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मम स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मेरी जो टीसी है, मयम शीर्घति शीर्घम प्रक्षत, तो मुझे शीर्घ से शीर्घ, जल्द से जल्द प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवादम, धन्यवाद, यहाँ पर आपको दिनांक लिखना होता है, और उसके दिनांक के बिल्कुल सीधे में आपको भवदीय लिखना है, भवदीय शिष्य भी लिख सकते हैं, और आपको शिष्य का नाम, जैसे कि आप खुद रहेंगे तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, पेपर में जो नाम दिया होगा रमेश सुरेश जो भी नाम वो लिखना है, और कुछ नहीं दिया है तो आवासा लिखना है। पेपर में आप कभी भी ध्यान रखिएगा अपना नाम, रोल नंबर, विद्यालय का नाम नहीं लिख सकते, वरना आपके पूरे मार्क्स ही कट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपका ये टीसी का जो था, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्थानांतरण सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो कि एप्लीकेशन थी वो आपकी फिनिश हो गई है। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।